अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ, आज की मेरी रेसिपी है आड़ू का शेक और आड़ू का शरबत। चलिए आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने दो आड़ू ले लिए बड़े साइज के, अभी इनको मैंने छील के चॉप कर लिए, अब इनको मैं ग्राइंडर में डालूंगी। मैंने 7-8 दाने बादाम के डाले हैं, अभी इसमें चीनी ऐड करूंगी। इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 चम्मच। ये बर्फ डाल रही हूँ। एक कप के करीब इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ। अभी बादाम और अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे। आड़ू का शरबत बना रही हूँ मैं, इसके लिए 1 कप पानी ले लिए, चूल्हे पे चढ़ा दिए पानी। इसमें ये 3 आड़ू डाल दिए बॉईल करने के लिए, और दूसरी साइड शीरा चढ़ा देती हूँ। शीरे के लिए भी 1 कप पानी ले लिए। कप के करीब चीनी ले ली है, इसका भी शीरा बनाऊंगी। शीरा तैयार हो रहा है, जैसे ही ये बॉयल होंगे इनको क्या छिलका होता है थे, इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूंगी। जैसे ही बॉयल हो जाएंगे इनका ऐसे छिलका उतार लेंगे। फिर उनको ठंडा करके सिलेंडर में पीस लेंगे। देखिए इनका छिलका आसानी से उतर रहे हैं। तैयार हो चुका है और आड़ू भी उबल चुके हैं, अब उनको ठंडा करके काट के फिर इसको ब्लेंडर कर लेंगे। जिस पानी में इसको बॉयल किया है वो पानी इसी में डालेंगे। अभी इसको ग्राइंड करेंगे। इसको छान लेंगे, छन्नी में छान लेंगे इस जो शीरा तैयार किया है उसमें। ये देखिए शरबत तैयार हो चुका है, अभी इसको ग्लास में डालेंगे। ये 2 से 3 चम्मच नींबू के ये इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच काला नमक दिए, शरबत डाल दिए। शेक और शरबत की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।